रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में युद्ध विराम और दो दिन तक वॉर जोन में खून खराबे को रोकने का प्रस्ताव यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने नामंजूर कर दिया। यानी वॉर जोन में भले ही रूस की तोपें दो दिन तक खामोश रहें, रूस की मिसाइलें धमाका न करें, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से मिले हिमर्श रूसी सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों पर रॉकेट बरसाते रहेंगे, उन्हें मौत के घाट उतारते रहेंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी पुतिन को ज़ेलेंस्की ने चैलेंज कर दिया है, युद्ध भले ही रूस ने शुरू किया हो लेकिन खत्म यूक्रेन करेगा। हम आपको बताएंगे कि ज़ेलेंस्की ये जुर्रत किस दम पर कर रहे हैं और उन्हें ये उत्साह कितना महंगा पड़ सकता है। लेकिन पहले यूक्रेन वॉर जोन में बड़ा तूफान लाने वाली इस पूरी खबर को समझिए। क्रिसमस और नए साल पर यूक्रेन में बड़े धमाके करने वाले व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स चर्च के कहने पर ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पर 6-7 जनवरी को यूक्रेन में युद्ध विराम का ऐलान किया था। पुतिन ने 36 घंटे के सीज फायर का आदेश दिया था जो 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे से शुरू होना था। ऑर्थोडॉक्स ईसाई 6-7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में ऑर्थोडॉक्स ईसाई बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन यूक्रेन को लगता है ऑर्थोडॉक्स चर्च के कहने पर पुतिन के शांति पाठ के पीछे गहरी जाल है। यानी पुतिन दो दिन तक पूर्वी इलाके में अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे और इसके बाद यूक्रेन को क्रिसमस का बारूदी तोहफा देंगे। Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну только очередное увеличение счета потерь. चलिए अब हम आपको यूक्रेन के इस उत्साह की वजह भी बता देते हैं। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स में हिमर्स रॉकेट से हमला करके यूक्रेन ने रूस के 89 सैनिकों को मार दिया है। वैसे यूक्रेन का दावा है कि मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या 400 से भी ज्यादा है। यूक्रेन को यह भी लग रहा है कि डोनबास में रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन की सेना लगातार मजबूत होती जा रही है। ऐसे में पुतिन के युद्ध विराम के पीछे उसे चाल नजर आ रही है। वैसे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, यूक्रेन को घातक हथियार देने वाले अमेरिका ने भी पुतिन के युद्ध विराम का मजाक उड़ाया। Respond to anything Putin says. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches and with on the 25th and New Year's and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर दो दिन तक हमला नहीं करने का ऐलान किया है, दूसरी ओर यूक्रेन अब रूसी सैनिकों के खेमे में और तबाही मचाना चाहता है। अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने फ्रांस और सहयोगी देशों से घातक टैंक मांगे ताकि रूस पर और भीषण हमला किया जा सके। इधर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को लेकर भी यूक्रेन को एक अच्छी खबर मिली है। अमेरिका के बाद जर्मनी से भी यूक्रेन को महाविनाशक एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है। Начну також розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Вона стосувалась багатьох елементів безпеки в нашому Чорноморському регіоні. Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки та про те, що треба зробити для ядерної безпеки і недопущення будь-яких радіаційних інцидентів. Кул мілякар Юкрейн, Америка і НАТО не мілкар Путін ке сізфаєр кі дхаджія уладі. क्रिसमस के लिए सीजफायर के ऐलान को पुतिन की कमजोरी बताया जा रहा है और ज़ेलेंस्की एंड पार्टनर्स का ये रुख यूक्रेन को बहुत भारी भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ीम। यूक्रेन वॉर जोन में एक बार फिर से परमाणु खतरे की एंट्री हो रही है। इस बार पुतिन ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर कर परमाणु सबक सिखाने का प्लान बनाया है। दुनिया में खौफ बढ़ चुका है क्योंकि अब पुतिन को परमाणु हमला करने का बहाना भी मिल गया है और वो हथियारों की तैनाती भी कर चुके हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार रूस की योजना क्या है
और इस खौफनाक योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन कौन कौन से कदम उठा चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन की परमाणु घेराबंदी कर ली है। रूस के सहयोगी देश बेलारूस में भी इसके लिए परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा क्रीमिया में भी परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। काला सागर में भी परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी युद्धपोत मौजूद है। क्रीमिया और बेलारूस में पुतिन ने बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों का जखीरा भेजा है और इससे पहले 5 बार दुनिया को पुतिन परमाणु धमकी भी दे चुके हैं। ये खबर यूक्रेन को डराने वाली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की डर कर अपने मित्र देशों से मदद भी मांग रहे हैं। Це хороший результат, я дякую за нього. Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку. चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार इस परमाणु घेराबंदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की क्यों बौखलाए हुए हैं। इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि यूक्रेन के पूर्व में रूस मौजूद है और रूस की सीमा में तमाम घातक परमाणु हथियार मौजूद है। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन के उत्तर में मौजूद अपने मित्र देश बेलारूस में भी परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्रीमिया में भी परमाणु हथियार तैनात होने से यूक्रेन 3 तरफ से परमाणु हथियारों से घिर गया है। इस घेराबंदी से परेशान यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए मित्र देशों से और हथियार मांग रहा है। Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. Філіал пашими дешов се мил рахе хатіарів ке дам пар Юкрейн. Рус кі сена ко табаха карне ме камяві бі хасил кар раха. Ар мана жа раха хе. Рус кі є табахі Юкрейн ко бахат мехнгі падне. अमेरिका से यूक्रेन को मिले हिमर्स के रॉकेट हमले में रूस के 89 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में 400 रूसी सैनिक मारे गए। फिलहाल रूस ने 89 सैनिकों की मौत की बात स्वीकार कर ली है। 2 января в 0 часов 1 минуту по московскому времени артиллерией ВСУ был нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймерс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. फिलहाल रूस इस हमले की वजह रूस के सैनिकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को बता रहा है, लेकिन डोनेस्क में हुए इस हमले को रूस अपनी सेना में हुआ हमला मान रहा है। ऐसे में इस हमले की सजा यूक्रेन को परमाणु जवाब से दी जा सकती है। Все имеющиеся в нашем распоряжении средства это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать. फिलहाल यूक्रेन को महातबाही का ट्रेलर पुतिन साल के पहले दिन ही दिखा चुके हैं। कीव पर जो आफत 1 जनवरी को बरसी थी, अगर वैसी ही आफत परमाणु मिसाइलें लेकर आई तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBTV। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।